आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने पर एनडीए में मंथन जारी है। पहला कदम जो कि रणनीतिक रूप से बहुत अहम है एनडीए गठबंधन के लिए, वो है स्पीकर, स्पीकर को बदलना। स्पीकर के खिलाफ मौजूदा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के नेता हैं और ऐसे में पूरी कोशिश झोंकी जा रही है अवध बिहारी चौधरी को इस्तीफा नहीं होता है तो प्रस्ताव कर सदन में उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाए। पूरी तरीके से हम यही कहना चाहते हैं कि खेल अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है, अभी तो सारी चीजें हैं ना, तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। क्या नए सत्र में आप लोग कुछ अब हमको कुछ बोलना ही नहीं, इसमें हम पत्ते खोलेंगे ही नहीं। तो हम तो पूरी तरीके से इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। तेजस्वी जी या आरजेडी के नेता नीतीश जी के लिए कोई भी बयानबाजी करें, ये बात सही है कि वो अब पछता रहे हैं, क्योंकि तो बैकडोर से घुसे थे, उनके पास मैंडेट नहीं था। मैंडेट तो नीतीश कुमार जी की सरकार को मिला था और उसी मैंडेट में बीजेपी साथ थी। अब बीजेपी साथ आ गई है तो वो बयानबाजी करेंगे, लेकिन ये सरकार मजबूत हो गई है, अब पूरी ताकत से चलेगी। खेला होना भी बाकी है। कौन खेला? खेला खत्म हो गया हम लोग का, चलिए। अब तेजस्वी जी अपनी चिंता करें, खेला क्या बाकी है? आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा, यही खेला बाकी है। बाकी बिहार के लिए बहुत अच्छा है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, स्पीकर को किसी तरह से बदलना एनडीए की सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस स्पीकर के फांस में कौन फंसा हुआ दिख रहा है और ये खेल जो अभी बाकी है वो क्या है? देखिए अंजना, सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार का पहला टेस्ट होता है विधानसभा के फ्लोर पर विश्वास मत प्राप्त करना। और जाहिर सी बात है, जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, हालांकि पहले तो 5 फरवरी से शुरू होना था लेकिन फिलहाल इसे कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। अब अगला डेट आना बाकी है, लेकिन जब भी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा तो फ्लोर टेस्ट सबसे पहले होगा, विश्वास मत हासिल करना होगा, और उसमें स्पीकर की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसा कि हम एक बार बता चुके हैं कि कहीं लालू कैंप जो है ऑपरेशन 16 को अंजाम न दे दे, उसके लिए जरूरी है कि स्पीकर को सबसे पहले हटाया जाए और उसके बाद अपना स्पीकर वहां पर स्थापित किया जाए, यानी कि अपना स्पीकर हो। इसके लिए कल ही रात में एनडीए ने, कई नेताओं ने नोटिस इसको लेकर जो है वो विधानसभा में डाल दिया गया, सेक्रेटेरिएट में डाल दिया गया है, ताकि स्पीकर को हटाया जाना चाहिए। और अब जब भी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा तो पहले दिन सबसे पहले कोशिश यही होगी एनडीए की कि स्पीकर, या तो स्पीकर पहले उससे पहले ही अपना इस्तीफा दे दे, और अगर इस्तीफा अवध बिहारी चौधरी नहीं देते हैं तो जैसे ही विधानसभा का पहला दिन होगा उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर वोटिंग होगी और फिर उसके जरिए जो है उनको हटाने की कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है क्योंकि संख्या बल इस वक्त एनडीए के पास है तो अवध बिहारी चौधरी को का हटना बिल्कुल तय है, लेकिन कहीं तेजस्वी यादव जैसा कि वो बता रहे थे कि अपना पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं और अभी खेल बाकी है, तो वो खेल ऑपरेशन 16 हो सकता है संभवतः। और रोहित, रोहित, एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इस खेल के जिन खिलाड़ियों पर वो बैंक कर रहे थे, जिनमें एक नाम विजय चौधरी का भी था, अगर उन्हें सरकार में शामिल कर लिया गया है तो वो ऑपरेशन 16 आपको पहले ही फेल होता हुआ नहीं दिख रहा है टेक ऑफ से? छोटा सा जवाब। बिल्कुल, जाहिर सी बात है ना, देखिए सरकार में अगर किसी को लगता कि नहीं, अगर मुझे आरजेडी का समर्थन करना है तो शायद पहले ही कर चुके होते, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि जेडीयू इंटैक्ट है, क्योंकि अब जेडीयू की कमान जो है वो अब ललन सिंह के हाथ में नहीं है, जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। और इसीलिए नीतीश कुमार ने भी ये सुनिश्चित किया कि पार्टी में किसी प्रकार की टूट ना हो, और इसीलिए उन्होंने पार्टी को इंटैक्ट रखा है और इंटैक्ट रखते हुए वो एनडीए में वापस आ चुके हैं, यानी कि पार्टी उनकी एकजुट है। लेकिन बड़ा खेल में जैसे कि बता रहा था कि लालू कैंप जो है खेलने की कोशिश कर सकता है ताकि नीतीश की सरकार गिर जाए जैसे ही विधानसभा शुरू होता है, लेकिन ऑपरेशन 16 से बचने के लिए ही यहां पर सबसे पहली कोशिश होगी कि अवध बिहारी चौधरी का हटाना चाहिए, वो सबसे पहले एनडीए की प्राथमिकता होगी। और अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर वोटिंग के जरिए उनको हटाया जाएगा। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।